पाकिस्तानी शेरों की ललकार। The tea is fantastic, thank you. अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। नाजरीन, बॉलीवुड की मूवीज में आपने इंडियन फोर्सेस को पाकिस्तान में आकर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हुए तो जरूर देखा होगा। शायद यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इन ऑपरेशन से मुतासिर होकर पाकिस्तान को खाला जी का घर समझकर हमारी प्रेमिसेस में दाखिल होगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनकी ऐसी दौड़ें लगवाई कि वो अपना पे लोड तक गिराने पर मजबूर हो गए। याद रहे कि इंडियन एयरफोर्स के इस नाकाम ऑपरेशन में पाकिस्तान को अपने 4 दरख्त और कुछ कौओं से महरूम होना पड़ा, जिसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये तहैया किया कि हम इंडिया को ये बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं, घुसकर मारना किसे कहते हैं और प्रोफेशनल फोर्स अपना टारगेट किस तरह अचीव करती है। यही मिशन लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अगले ही रोज़ इंडियन प्रेमिसेस का रुख किया और एलओसी के पार गए और दुश्मन को एक ज़बरदस्त पैगाम पहुंचाया। तो नाजरीन, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो भी काफ़ी ख़ास हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिला दिया और दुनिया भर के सामने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी, मैं अपने एयरफोर्स के जांबाजों की बात कर रहा हूँ। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं स्क्वाड्रन लीडर शहबाज साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्निकल टीम है उससे है। आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे सेट पर आए। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी बुलाया यहाँ पर। सर, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है माशाल्लाह। और नाजरीन, इनके साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवैस साहब, जो कि 24 स्विफ्ट रिटार्ट उसमें उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया, तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। सबसे पहले तो आप दोनों का, बल्कि पूरी एयरफोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि 1965 से इंडियन फोर्सेस की बड़ी ख्वाहिश रही थी कि वो पाकिस्तान आकर नाश्ता करें, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर आप लोगों ने उनको जहाज़ से उतारा, उनकी ख्वाहिश पूरी की। तो क्या सर, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, तो क्या फील करते हैं? ख्वाहिश उनकी थी जी, पूरी करने का जो शौक़ था वो हमारा भी था कि इनको किसी ऐसे तरीके से पूरी करें जिस पे इज्जत हमारी हो माशाल्लाह। तो वो अल्लाह ताला ने हमें वो मौका दिया, हम बड़े आजी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो मौका इस तरह से दिया कि इज्जत हमें मिली और जिसका जो शौक़ था वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, 26 को बेसिकली 26 को हुआ क्या था? 26 को जब इंडियन फोर्सेज ने बुजदिलाना एक हरकत की, पाकिस्तान प्रेमिसेस में आए, दे वर थिंकिंग कि ये शायद खाला जी का घर है, आप चले जाएंगे और जी अपना ऑपरेशन जो है वो करके और निकल जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब एक कौम, हमारी कौम ये जानना था जी, बेसिकली 26 को क्या हुआ था? बेसिकली हुआ जी ये कि अंधेरे में उन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसी हरकत की जो कि दूर से किसी को पत्थर मारने के मुतरादिफ़ है, और उन्होंने उसकी कोशिश की जिसमें वो खुद भी नाकाम हुए, उसका बाकी दुनिया को भी पता चला कि ये तो किस किस्म की इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। और उसका जो रिस्पॉन्स हमने दिया, फिर जो हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से प्लान किया, जिस तरह वो एग्जीक्यूट हुआ, वो भी दुनिया के सामने है, तो वो आपको डिफरेंस नज़र आता है। सर, वैसे मैं एक ज़ाती तौर पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि दो दरख्तों के बदले में इतना बड़ा जवाब। सर अवैस भाई, आप तो मेरा ख्याल है मेराज लेके पहुँच गए थे वहाँ पे एलओसी के पार। और एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह था कि 14 को पुलवामा अटैक जब हुआ, तो उसके बाद उनके मीडिया ने एक गवर्नमेंट बैक के साथ, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ एक वॉर हिस्टेरिया बनाया, जो कि उनके इलेक्टोरल जो ऑब्जेक्टिव था उनका, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने ये किया। तो हम लोगों की तैयारी तो थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा था वो इस तरह की कोई शरारत कर सकते हैं। अगर हम तैयार ना होते उनके लिए तो हम इतनी जल्दी रिस्पॉन्स ही जनरेट ही ना करते। इधर मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने रात को 26 की रात को हमला किया, तो 3:02 पर हमें ये इतला मिली
कि उन्होंने ये आए हैं और अपने बॉम्ब्स जल्दी में गिरा के जिनमें से एक भी टारगेट पे नहीं लगा वो वापस चले गए। 3:02 पे हमें ये खबर मिलती है और 3:16 पे हम सारे कॉकपिट में थे। वेरी गुड। अगर ये हमें तैयार ना होते तो ऐसा ही है, बिल्कुल इतनी जल्दी रिस्पॉन्स पॉसिबल ही ना होता। लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जिसे कहते हैं कि हमने क्योंकि रिएक्शन नहीं देना था, हमने रिटेलिएट करना था, तो वी वर नॉट रिएक्शनरी एट दैट मोमेंट। तो हमने सब्र तहमुल का मुजाहरा किया और वी टुक आवर टाइम और हमने अपने जो जिसे कहते हैं अपने टाइम और प्लेस की चूजिंग पे हमने उसका रिस्पांस दिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो तो शायद एक अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं जो अपने सारे टारगेट्स मिस कर गए, अगर हम उसी रात 3:16 पे चले जाते तो हम उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। Right. क्योंकि जब हमें सुबह पता चला कि वो तो 4 दरख्त और 2-3 कवे मार के वापस चले गए हैं, तो देन वी हैड टू रिस्पॉन्ड, बट द इंटेंसिटी ऑफ इट वॉज डिफरेंट। अवैस भाई, एक और क्वेश्चन जो तकरीबन हर एक यंगस्टर के जहन में आता है कि माशाल्लाह आप उस वक्त उस ऑपरेशन का डायरेक्टली हिस्सा थे, राइट, एलओसी के क्रॉस गए हैं, आप लोगों ने उनके टारगेट को जो आपको गिवन टारगेट था उसको लॉक किया है और फिर उसको छोड़कर एक साइड में आपने हिट किया है, कैसे कंट्रोल किया खुद पे? दुश्मन के घर में खड़े आप अपना बदला लेने आए, अपने मुल्क के वकार पर जो उन्होंने आपके अटैक करने की कोशिश की थी उसका बदला लेने उसके घर पे खड़े हैं, टारगेट भी है, लेकिन आपको क्या चीज़ थी, मतलब आप कैसे खुद पे काबू कर पाए, अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल किया? देखिए, हमारे मतलब एयरफोर्स में ख़ास तौर पे जो हमारे फाइटर स्क्वाड्स का माहौल होता है उसमें पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि आपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को कभी भी वायोलेट नहीं करना, और साथ ही एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एयरफोर्स और एक अनडिसिप्लिन और अनप्रोफेशनल एयरफोर्स में यही फ़र्क होता है कि प्रोफेशनल और डिसिप्लिन एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको वो काम जो दिया जाता है वो उसको उसी तरीके से करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ पाकिस्तानी, गर्म कौन था उस वक्त, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थे जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे इस बात पे। प्लस मैं इसमें एक बात ये भी ऐड करना चाहूँ कि जब आपका दुश्मन बेवकूफ़ और इरिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा हो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिसकी आबादी ऑलमोस्ट 2 बिलियन है, तो समवन हैज़ टू एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, सो वी एक्टेड रिस्पॉन्सिबली। और हमने इसीलिए क्योंकि जब हमने भी टारगेट्स हमें मिले तो हमें भी ये सोच आई कि कहीं दुनिया ये ना कहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने टारगेट्स मिस करती है, तो इसीलिए हम लोगों ने वेपन भी अपना ऐसा चूज़ किया विच हैड द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल द फुटेज जो आप लोगों ने देखी होगी 6 सितंबर के शो में। यस, ऑब्वियसली। तो हमने वो सारा रिकॉर्ड किया और जस्ट एट द एंड ऑफ इट जब वो बिल्कुल अपने टारगेट के करीब पहुंचा था वी स्टेड इट अवे और हमने इसको दरख्तों में मार दिया। वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक। अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। पाकिस्तानी शेरों की ललकार। अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजन्स विद शुएब खान। अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। स्क्वाड्रन लीडर शहबाज सर, सर आपका ताल्लुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग से है। सर, हमारे पायलट्स जब जाते हैं इस तरह के मिशंस के ऊपर तो ऑब्वियसली उनकी बैक पर एक कंप्लीट टीम होती है, उस टीम के बारे में सर बताएं ताकि हमारी कौम को ये पता चले कि हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बेसिकली टीम वर्क होता है, तो उसमें किन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? बेसिकली जी, जो एयरफोर्स में जहाज़ों के कस्टोडियन कह लें वो होती है इंजीनियरिंग ब्रांच, और उस ब्रांच पर डिफरेंट फिर क्राइटेरियाज होते हैं, इंस्पेक्शंस का पार्ट अलग, ऑपरेशंस का पार्ट अलग। अब ऑपरेशंस में डायरेक्टली फ्लाइट लाइंस आती हैं और जहाज़ को एक रेडी स्टेट में रखना, जिसको कहते हैं ऑपरेशनल रेडीनेस, जिसकी ज़िम्मेदारी आती है वो आती है हम लोगों पे, इंजीनियरिंग ब्रांच पे और जो टेक्निकल टीम है उन पे आती है कि एक जहाज़ जिसने जा के लड़ना है उस जहाज़ की सर्विसबिलिटी, रिलायबिलिटी
और उस पर जो वेपन लगा हुआ है कि उसकी फायरिंग टेस्टिंग वो सारी चीज़ें होंगी तो तभी वो जहाज़ जा के लड़ सकता है। तो एक पूरी टीम होती है जो कि एक जहाज़ को तैयार करती है कि वो जाए, पायलट को मिले और वो फिर जाके उसे आगे फाइट कर सके। तो इस सिचुएशन में ऐसे जैसे 26 फरवरी को हुआ तो हमारे पास हम अपनी लोकेशन पे मूव करते हैं, आपके पास नीचे टेक्निकल मैन पावर होती है, उनका जज्बा जितनी होता है आपको नज़र आता है किस तरीके से वो अपना जहाज़ तैयार करते हैं, किस तरीके से उस पर वेपन लगता है, पूरा दिन रात काम होता है, वो एक बताने से शायद मैं ना बता सकूँ। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ एक्सप्लेन बंदा अल्फाज में नहीं कर सकता, जो वो जज्बा होता है और जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं ऑब्वियसली। अच्छा सर एक और बात, अभिनंदन साहब जो हैं उन्होंने जाकर क्लेम किया, बल्कि उनके मीडिया ने, इंडियन एयरफोर्स ने ये क्लेम किया कि जी अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया है और काफ़ी चीखें मार, उसके बाद इन्होंने इजेक्ट किया है। इजेक्ट वो बड़ा आसानी से आपको पता है, बड़े मज़े से करते हैं इंडियन जो है। तो सर उसके बारे में बताएं कि उसमें कितनी किस हद तक कुछ है, सच्चाई है नहीं है, क्या है वो? देखिए जी, कुछ दिनों पहले हमारी हेडक्वार्टर की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उनको जो 4 मिसाइल जो उनके जहाज़ पे लगे हुए थे वो पूरे के पूरे दिखाए गए। तो पहली तो सबूत काफ़ी अर्सा पहले भी दिया जा चुका है, एक बार फिर दे दिया गया है कि एक जहाज़ पे 4 मिसाइल लगते थे, वो चारों के चारों अवेलेबल हैं। तो वो कहाँ से आया, कैसे मारा, हमें तो अभी तक समझ नहीं आई। दुनिया ने भी उसको जो जहाज़ जिनसे हम करीब, उसके पास कोई स्पेशल शक्ति वगैरह थी शायद उस वजह से, या दोनों ने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन हमारे तो नंबर पूरे हैं, पता नहीं नंबर ऑफ मिसाइल्स पूरे हैं और वो क्लेम करने के लिए हिट किया है इससे, मिसाइल्स भी पूरे हैं और हमारे जहाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, ठीक है। अच्छा अवैध सर, आप जो हैं, आपका जब इंतखाब हुआ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के लिए, उस वक्त क्या जज्बात थे? फैमिली को बताया नहीं बताया, अगर बताया तो किन अल्फाज में बताया? क्या जज्बात, एक हर इंसान की इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, क्या जज्बात थे वो ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? फैमिली का तो नहीं बताया क्योंकि इस तरह इजाज़त नहीं होती इस तरह के हम इस तरह अपनी बता सकें चीज़ें और सारा। ऑब्वियसली ऑपरेशन के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हुई तो हर किसी ने अपने घर वालों को बताया। दूसरा ये कि ये जैसा सर ने टीम वर्क की बात की, मैं भी यहाँ पर यही बात करना चाहूँगा कि मेरी जगह उस वक्त अगर कोई भी और फाइटर पायलट होता पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो वो भी उसी इस मिशन को उसी खुश असलूबी से अंजाम देता जिससे मैंने और मेरी जो हमारे साथ हम जितने भी पायलट्स हैं हम लोगों ने दिया। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड इस तरह है कि जब एक पायलट जो है वो एक सर्टेन वेपन सिस्टम पे ऑपरेशनल डिक्लेयर हो जाता है तो सारे लोग एट पार होते हैं एक दूसरे से और कोई भी वो मिशन जो है वो अंजाम दे सकता है। जहाँ तक रही बात जज्बात की, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 26 का पूरा दिन काफ़ी इस्तराब की कैफियत थी हम सारों के लिए। उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग फील्ड लेवल पे थे, हम लोग अपनी वॉल टाइम लोकेशंस पे डिप्लॉयड थे काफ़ी पहले से, 14 के बाद से। तो लेकिन उसमें है इस तरह के, क्योंकि जब आप एक फील्ड लेवल पे होते हैं तो आपका होराइज़न इतना ब्रॉड नहीं होता, तो जबकि जो आपके टेक्टिशियंस और हायर अप्स जो आपकी कमांड हेडक्वार्टर्स लेवल पे ओवरऑल पिक्चर देख रही होती है उसको काफ़ी ब्रॉड पिक्चर होती है कि सारी सिचुएशन की। तो हमारा पूरा दिन काफ़ी इस्तराब में गुजरा, लेकिन रात को तकरीबन गालिबन 10-10:30 बजे जब हम सारों को दोबारा हमारे ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर फहीम जो कि इस मिशन के लीडर थे उन्होंने बुलाया, तो जो पहली बात उन्होंने की वो यही थी कि जेंटलमैन मुबारक हो, आप लोग कल जा रहे हैं। तो उस वक्त जो जज्बात थे वो मैं बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोगों ने अपने जो थोड़ी बहुत रिक्विजिट तैयारी थी वो की और देन वी हैड टू स्लीप बिकॉज सुबह ही। अच्छा आपको मैं इंटरप्ट करूँगा, नाजरीन आप लोगों ने सुना कि जब इनके ऑफिसर जो के कमांड कर रहे हैं और जिनको ये ऑर्डर्स मिले हैं कि कल हम लोगों ने मिशन पे जाना है, तो जिन जवानों को, जिन शाहीनों को उन्होंने भेजना है, तो सबसे पहले आकर वो बात ये करते हैं, जेंटलमैन आपको मुबारक हो कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस मिशन। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा मोराल कितना, हमारे जवानों का, हमारे शाहीनों का मोराल कितना हाई है। जी कंटिन्यू करें प्लीज़ सर। उसके बाद क्योंकि ये एक जो एयर वॉरफेयर होता है हाईली टेक्निकल होता है, इसमें आपके पायलट के रेस्ट, खाना पीना सब कुछ ज़रूरी होता है, तो आपको जो भी इमोशंस, आपके एक्साइटमेंट हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, वो इमोशंस को आपने बंद करके एक साइड पे रखना होता है। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ इस चीज़ का एहसास भी था कि कल एक बहुत बड़ा दिन है। तो हम लोग 12-12:30 अपनी तैयारी करके सो गए सारे। और इसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि जब हम रात को ये सारी प्लानिंग कर रहे थे तो 26 की रात को बारिश हो रही थी,
तो हम लोग ये भी दुआ कर रहे थे कि सुबह वेदर क्लियर हो, क्योंकि अगर बारिश हो रही होती तो हमारी जगह कोई और जा रहा होता, और उस वक्त जज्बात ऐसे थे कि हर बंदा जाना चाह रहा था। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और मेरे साथ जितने हम पायलट्स थे, सुबह हम उठे तो वेदर बिल्कुल क्लियर था। हमने अपनी दोबारा ब्रीफ की रिकैप की, नाश्ता किया, और बस उस वक्त यही था कि आज कुछ भी हो जाए उनको नहीं छोड़ना। अच्छा अवैस भाई, एक बात मैं और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूँगा कि एक वीडियो जो है हम लोगों ने खुद भी विटनेस की, आपने भी शायद देखी होगी, उसमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, वो सजेस्ट कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स को कि आप लोगों ने जो है ना दिन और टाइम वो मुंतखब करना जिस वक्त बादल हो, ताकि आप रडार में नहीं आए। ये टेक्निकली चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप किस तरह इसको देखते हैं? क्योंकि यू आर अ पायलट, मतलब मैं समझता हूँ कि एक बच्चे को भी ये बात कर दी जाए तो उसको भी समझ से बाहर है कि यार आप एक बादल जो है आपका रडार सिस्टम को कैसे जो है ना रोक सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है? इस बात पे तो मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इतनी क्या है सके, फनी है या इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बादलों का रडार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खैर शायद कमेंट पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उनकी लीडरशिप का कैलिबर दिखाता है मेरे ख्याल से। जबकि आपने हमारी लीडरशिप का देखा, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री, कि हम लोगों ने कितना रिस्ट्रेंट शो किया और कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया, और वी हैड एवरी यू नो राइट, बिकॉज जो भी हमने टारगेट्स चूज़ किए हुए थे वो हमारे लिए लेजिटिमेट थे, बिकॉज जो एग्रेसर थे 26 की रात को वो इंडियन मिलिट्री थे, तो इंडियन मिलिट्री टारगेट्स हमारे लिए फुली लेजिटिमेट थे। उसके बावजूद हमने एक रिस्पॉन्सिबल, एक बिगर स्टेट होते हुए उनको इंगेज कर, उनको इंगेज नहीं किया और उनके साइड पे, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि सब कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, आपने माशाल्लाह आप कैपेबल हैं उनको हर तरह का जवाब देने के लिए, बट ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, खित्ते का अमन जो है वो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे, जो आपकी हाई कमांड है, जो हमारे ऑफिशल्स हैं, ये उनकी मतलब इंस्ट्रक्शंस थी कि इस चीज़ को। अच्छा एक और बात कि इंडियंस जो हैं, इंडियन मीडिया ने हमेशा अपनी ये जो मतलब अभिनंदन आए यहाँ पे, उनको बड़ा उठा चढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह अभी हम लोगों ने मोदी साहब की बात की, मोदी साहब की बात को भी इंडियन मीडिया शो कर रहा है, उनकी जो एयरफोर्स है उस पर सरहिला रही है, जैसे ऐसा है। तो इस पर हम आपसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो इस पे आपने ज़रा डिस्कस करना है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं और इनसे मज़ीद जानकारी लेते हैं। अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। पाकिस्तानी शेरों की ललकार, अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, कि उन्होंने जो है एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे जो है, आपने जिस तरह बताया वैस भाई ने कि बड़ा फनी सा है कि उनकी लीडरशिप, उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स चाहिए, कि बीइंग अ सोल्जर आप क्या कमेंट करते हैं? हम तो जी इस तरह से क्या किसी पे कमेंट करना, अपनी तैयारी पूरी है, किसी भी टाइम जो भी होगा हम तैयार हैं जी। तो कमेंट वो करते हैं जिनकी तैयारी ना हो, तो उनको करने दे कमेंट, हमें फोकस है अपनी तैयारी पे, इंशाल्लाह हम तैयार हैं और किसी भी फ्रंट के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें वो कुव्वत दी हुई है, वो जज्बा ईमान है, मतलब ये एक ये इंडियन फोर्सेस को, इंडियन जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब है, उनको डायरेक्टली हमारी एयरफोर्स जो है बता रही है कि डायलॉग से कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हम कैपेबल हैं, हम तैयार हैं, आप जब आएँ, आप दोबारा आएँ, आपको फिर चाय पिलाएंगे, इस मरतबा कोई हैवी किस्म का डोज और भी देंगे, ठीक है, चाय के साथ सर कोई बिस्किट सिस्किट भी जो है ना इस मरतबा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर एक और बात, इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस के साथ इंडिया मुआहदा करता है राफेल एयर जेट्स का, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह J-17 थंडर है, आप माशाल्लाह उसकी मेंटेनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ आपको पता है, तो हमारी कैपेबिलिटीज़ भी साथ बिल्ड हो रही है, मतलब कहीं उसको फौकियत तो नहीं मिल जाएगी पाकिस्तान एयर फोर्स पे,
ये जेट्स लाने की बात है। इंशाल्लाह हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस वक्त एयरफोर्स के पास आनी चाहिए। और इस जो स्विफ्ट रिटॉर्ट का आपने देखा होगा उसमें हमारा टेक्नोलॉजिकल जो उनके ऊपर एक बर्तरी थी वो भी नज़र आई होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है इस पर किसी ने सोचा है, किसी ने काम किया। तो अब अगर वो राफेल अभी ले रहे हैं तो उससे पहले हमारी लीडरशिप ने उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह GF-17 गाहे बगाहे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, वर्जन्स हम आगे लेके आ रहे हैं, जी ब्लॉक 3 आएगा इंशाल्लाह। तो किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि राफेल आ गया तो हम कहीं टेक्नोलॉजिकली पीछे रहे। मतलब कि आवाम को वही मैसेज है अवैध भाई, आवाम को वही आप इस पे ज़रा कमेंट करें अवैध भाई, आपका कमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सर ने टेक्निकल साइड उसकी कवर की, मैं उसकी थोड़ी सी ऑपरेशन साइड कवर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद से ही हमारी एयरफोर्स हमेशा आउट नंबर रही है इंडियन एयरफोर्स से। 3:1 के हिसाब से हम लोग हमेशा आउट नंबर रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का हॉलमार्क हमेशा यही रहा है कि वी हैव ऑलवेज रिलाइड अपॉन सुपीरियर टैक्टिक्स एंड बेटर ट्रेनिंग फॉर आवर फाइटर पायलट्स। तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी जेट्स यू हैव एंड व्हाट दे कैन डू, इट्स अबाउट व्हाट योर फाइटर पायलट्स कैन डू वंस दे आर इन द कॉकपिट। तो कौम में किसी को भी लकी भर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स विल हैव द क्वालिटेटिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एज वेल। माशाल्लाह, तो मतलब कौम को आप एयरफोर्स सेम पैगाम देती है, स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक, ऐसा है सर? ऐसे ही है। चले माशाल्लाह। और इसके अलावा वो रशिया के साथ भी कुछ मतलब एंटी मिसाइल्स में वो एंटी एयरक्राफ्ट कुछ हमारी जो रेंज है क्या उस पर भी कोई इफेक्ट हो सकता है हमारी तरफ से? आपने तो एक तरफ से मतलब क्लियर कर दिया कि इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने जेट्स हैं और कौन से जेट्स हैं, अंदर बैठ के जो बंदा बैठ के उसको उड़ा रहा है ना उसकी जो वर्थ है वो बेसिकली मैं समझता हूँ उस जेट की वर्थ को वो बढ़ाता है, राइट? अच्छा, दूसरा सर इसके अलावा जो है हमारे फाइटर्स जो हैं इस ऑब्वियसली पूरी कॉम का मोराल हाई हुआ है और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होने की हैसियत से पूरी एयरफोर्स का क्या मोराल है इस वक्त? जैसे अवैस ने पहले बताया कि जो 26 का दिन था उस वक्त तो हम काफ़ी उस में थे कि कब वो दिन आएगा कि हम इसका अपना बदला लेंगे और वो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो वो मोराल अभी तक ऐसे ही है जिस तरह उस अभी आज के दिन अगर आप अपने एक साल को रिवाइंड करके देखते हैं तो उस वक्त और इस वक्त सेम आपकी फीलिंग्स को जब आप देखते हैं तो वो मोराल हमारा बुलंद से बुलंद होता जा रहा है। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन जो मोराल है वो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी कॉम की यही हैं। तो वो जो बात है कि जो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा आएंगे तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, JF-17 थंडर जो है इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर ने उसको सराहा, जी बिल्कुल, तारीफ की, जी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है तो मतलब, और हमने तो ये भी सुनने में आया कि काफ़ी हमारी प्राइसेस भी बढ़ गई और डिमांड भी बड़ी हो गई, तो इसके बारे में ज़रा कमेंट करें। इसका तो हमें ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि वो हमारी दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं जो डील करती हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि JF-17 ने अपने आप को बैटल प्रूवन वेपन टेस्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में बड़े कम ऐसे बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि अवेलेबल। तो सर हम लोग हर वक्त लड़ाई झगड़ा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, आपको पता है जज्बाती कौम है, ठीक है, दो मौके आते हैं, एक आपका क्रिकेट है स्पेशली इंडिया के साथ, उस वक्त हम कौम यकजा होती है, एक इंडियंस जो अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो ये कौम फिर कोई सिंधी बलोची पश्तून कुछ नहीं होता, एक कौम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, ठीक है सर, तो इस पर इंडिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें एक कौम दोबारा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं जी, ज़रूरत थी वक्त की और वो मौका भी मिला और एक कौम भी बने, एक सब ने प्रूव किया, मीडिया का हम शुक्र गुजार हैं कि उन लोगों ने भी अपना जो पॉजिटिव रोल था उसको उन्होंने दिखाया, हमें सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमारी कॉज को सपोर्ट किया। हमारी कॉज आई बिलीव कि हम सब की कॉज एक ही है, दैट इज़ आर कंट्री, कि हम इसको डिफेंड करें। तो जब तक आप लोग हमारे साथ हैं हमारे हौसले बुलंद होते रहेंगे, राइट? एंड पे अवैध भाई इंडियंस को मैसेज को मैं यही मैसेज दूंगा
come again, the people, you will again have a bloody nose. So do not mess with us. Don't mess with us ever again, Indians. और सर अपनी यूथ को अपनी कौम को एक मैसेज दें, मतलब बीइंग ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स, बीइंग अ सोल्जर, एक मैसेज दें यूथ को कि आपको हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी यूथ, हमारी कौम अपने फोर्सेस के साथ. बिकॉज सर आप वो लोग हैं जो बैटल फील्ड पे होते हैं, राइट. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि टीम वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल पायलट है, मेंटेनेंस स्टाफ है, एक्स वाई जेड, सारा एक होता है प्रोसेस, इस एक टीम होती है. इसके अलावा बहसीत कौम, हम किस तरह अपनी फोर्सेस के साथ या हम अपनी जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं उसमें रहते हुए किस तरह आपका साथ दे सकते हैं. मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं यूथ से अगर आप कहें कि बात करें तो उसके सबसे बड़ा यही है कि आप अपना कॉज सिलेक्ट करें कि आपका कॉज क्या है एंड फाइट फॉर दैट कॉज. अगर आपके पास जिंदगी में एक मकसद है काम करने के लिए तो वो मकसद आपको डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो हमारे लिए तो वो पाकिस्तान है. आप यूथ से रिक्वेस्ट है कि अपना कॉज भी सिर्फ उस चीज़ को बनाएं जिसमें कोई हासिल हो. वो पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है. अगर हम हैं तो इसी मुल्क की वजह से हैं. तो हमें उसमें सपोर्ट करें और अपना मकसद डिफाइन करें, बजाय इसके कि हम वैसे ही इधर उधर फिरते. मतलब एक आपका मकसद डिफाइंड होना चाहिए. नंबर टू कॉज ये रखें बींग सिविलियन भी कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए ही जीना है. फर्क नहीं पड़ता किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं. बिल्कुल जी. और जो करना है इसकी बेटरमेंट के लिए करना है. इसमें यही एक बात यही ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में आके लड़ें, एयरफोर्स में आके जहाज उड़ाएं या नेवी में आप जाके यू आर सेविंग द सीज को प्रोटेक्ट करें. आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसमें जो है एक्सीलेंस अचीव करें. एंड द ओनली गोल यू शुड हैव इज दैट यू शुड बी अ गुड प्रोफेशनल. अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल है, जो मर्जी आपकी फील्ड है, आप यू विल बी ऑटोमेटिकली हेल्पिंग पाकिस्तान प्रॉस्पर एंड ग्रो. यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इससे ज़्यादा शुक्रिया इंडियंस के दांत खट्टे करने के लिए. और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि वो इस तरह की चाय की ख्वाहिश दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमारा प्राउड हैं, हमारा प्राउड रहेंगे. और हम फिर इसी तरह एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें जो उनके जो लॉसेज हैं, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीवमेंट्स होंगी, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच जी, आपने हमें बुलाया, हमें इज्जत बख्शी. थैंक यू सो मच अवैस सर. थैंक यू सर. नाजरीन, आज मुल्क पाकिस्तान के इन बेटों से बात करके पता चला कि इनका हौसला, इनका जोश, इनका जज्बा आसमानों को छूने वाला है. और ये MM आलम के वो वारिस हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मन पर हैबत तारी हो जाती है. ये इकबाल के वो शाहीन हैं जिनके लिए इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए एंड स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तान एयर फोर्स इज अवे. शुक्रिया. आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ. पाकिस्तानी शेरों की ललकार. Then the death of a martyr for a... The tea is fantastic. Thank you. अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ.